जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न क्या था कि आजकल आप ऐसी बातें हमें बता रहे हैं जो इतिहास के अंदर दर्ज नहीं है, या जो वर्तमान का इतिहास है उससे कुछ अलग है। आखिर इन बातों का मतलब क्या है? अगर ये बातें हम समझ भी लेंगे तो हमारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? ये उनका प्रश्न था, और ये प्रश्न इतना गंभीर है कि इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। और जितना गंभीर ये प्रश्न है, उससे कहीं गंभीर इसका उत्तर भी है। दर्शकों, एक छोटे से उदाहरण से पहले बात को समझते हैं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। आप कार लेकर के जाते हैं कहीं किसी यात्रा पर। आप अपने मोबाइल के अंदर GPS ऑन करते हैं, मैप पर आप वो नक्शा लगाते हैं, और आप आराम से उस जगह पर पहुंच जाते हैं कहां आपको मुड़ना है, कितने किलोमीटर के बाद मोड़ आएगा, कितनी दूरी की यात्रा है, कितना समय लगेगा। ये सारी बातें आपको पता होती हैं। लेकिन यदि वो ना हो और आपके पास कुछ अलग मैप हो, तो आप कहां पहुंचेंगे? यानी गलत जानकारी आपको क्या आपकी सही मंजिल पर पहुंचाएगी? ये आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको पता है। ठीक उसी तरह से इतिहास जो होता है वो भी हमारे लिए रोड मैप का काम करता है। यानी इतिहास की घटनाएं, इतिहास में जो हो चुका है, वो हमारे लिए एक अनुभव होता है, हमारे लिए एक राइट इंफॉर्मेशन होती है कि उस समय पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या घटना थी, और वर्तमान के अंदर हम उसको कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन यदि इतिहास के साथ ही छेड़छाड़ कर दी जाए, आपको यही ना पता हो कि सनातन कहां से शुरू होता है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कौन कौन से धर्म इससे प्रभावित हैं, कब किसकी स्थापना हुई, किस तरह से हमारे सनातन की जड़ें आज भी हमें मजबूती से एक किए हुए है, अगर ये बातें आपको नहीं पता होगी, और इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ कर ही दी गई है, इसीलिए गलत इतिहास को पढ़कर, गलत चीजों की जानकारी लेकर अगर हम आज निकल पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम सही जगह पहुंच पाएंगे? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो तो कुछ और है, और सत्य कुछ और है। इसलिए जब तक सत्य हमारे सामने नहीं होगा, ना ही हम रास्ते बदलने को तैयार होंगे, ना ही अपनी गलतियों को दुरुस्त करने को तैयार होंगे। जब तक गलती नहीं सुधरेगी, सही परिस्थितियों का आप आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जरा अपने मन से लेकर के देखिए। जिन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका वास्तविक सत्य है, वो हमारे जीवन में क्यों शामिल की गई, उसकी वो जानकारी यदि वो सही रूप में आपके पास नहीं है, तो आप उन क्रियाओं को करने लगेंगे जो क्रियाएं उससे संबंधित नहीं है, फिर आपको परिणाम भी वो नहीं मिलेंगे। परिणाम नहीं मिलेंगे तो आप फिर उन चीजों में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि आज के वर्तमान समय के अंदर जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर जगह पर जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने लंगर लगते हैं, जितनी सेवाएं होती हैं, उसके बावजूद भी आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम इस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां मानवता ही शर्मसार है। तो क्या ये हमारा करना गलत है? ये करना हमारा गलत नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से क्या चीज की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए, किसका उद्देश्य, किसका प्रयोजन, किस लिए लिखा गया, किस लिए कहा गया, जब तक वो सत्य बात हमारे सामने नहीं होगी, हम उन क्रियाओं को करने के बाद भी वो अपेक्षित फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर जो सत्य छुपा है, उस सत्य को सामने लाना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम उस वास्तविक लाभ को नहीं ले पाएंगे जिस वास्तविक लाभ के लिए वो क्रियाएं हमारे जीवन में सम्मिलित की गई थी। इसीलिए इतिहास
सही होना चाहिए, सही इतिहास ही इंसान को सही मार्ग बताता है और सही मार्ग ही इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो इंसान अपना रास्ता जरूर भटकेगा और अपने मंजिल से कोसों दूर वो जरूर जाएगा। और यही कारण है कि हमारे ज्ञान को, हमारे इतिहास को मिटाया गया और तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो ज्ञान का भंडार थे, जहां इतिहास की सही जानकारी थी, शास्त्रों का सही रूप जहां पर था, उन सभी को चला करके समाप्त कर दिया गया और हमारे सामने ऐसा इतिहास पेश किया गया, उन जानकारियों को रखा गया जो सत्य नहीं थी और हमने बरसों उसका अनुसरण किया है और जिसका परिणाम यह है कि आज हम उनको मानते तो हैं, उन रीति रिवाजों को मानते हैं, उन ग्रंथों को मानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। तो यहाँ पर हमारे मन में संदेह पैदा होता है कि क्या वास्तव में ये शास्त्र ग्रंथ हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं है। अगर उपयोगी हैं तो हम जब इनका अनुसरण कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। उसका एकमात्र उपाय, उसका एकमात्र जवाब भी यही है कि हमें गलत जानकारी दी गई है और सही जानकारी को मिटा दिया गया है। इसीलिए सही इतिहास हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करता है। इसीलिए सही जानकारी का हमारे बीच में होना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए मैं आपके सामने हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में निहित वो गूढ़ रहस्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो सत्य है और जिसको आप किसी भी कसौटी पर जब परखेंगे तो उसके परिणाम सत्य के अनुसार ही होंगे क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।